वीडियो में बहुत सारी अपडेट और बहुत डिटेल है, तो वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक अपडेट है। कैसे हो दोस्तों, आज हम रॉक टाइल्स टेरेस की टाइल्स के जॉइंट इंस्टॉलेशन में एक बहुत बड़ी नई अपडेट के साथ आए हैं। वैसे तो हमारे पुराने वीडियो है ही, आपने शायद देखे हो, तो ना देखे हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आज मैं कुछ नई अपडेट लेके आया हूँ। यहाँ पर हमने एक ही मकान में अलग अलग 8 से 10 टेरेस का काम किया है, क्योंकि ये अलग अलग हाइट पर था, तो 8 से 10 जगह पर हमने काम किया है और उसके जॉइंट इंस्टॉलेशन का ये वीडियो हम बना रहे हैं। जॉइंट फिटिंग में जो ऊपर का ये वाटा होता है, वो जिस दिन हमने वाटा लगाया है उसी दिन उसको फिलिंग करना है। बाद में करते हैं तो वो चिपक के नहीं रहता है। उस दिन ये सिर्फ सीमेंट में ही कर लिया होता है तो भी रहता है, उसकी रीज़न भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये रेती सीमेंट के मसाले में लगाया हुआ है और नीचे हमने आप देख सकते हो धार तोड़ ली है। ये वाटा जो लगता है वो कटिंग करके लगाया गया है, आप देख सकते हो इस तरीके से दीवार। अब इस पर ये सीमेंट का गाढ़ा पानी डाला जाता है और चिपकाया जाता है। तो रेती सीमेंट का मसाला और सीमेंट का पानी, यानी कि जिस तरीके से टाइल्स का फ्लोरिंग लगाते हैं वही मेथड से लगाया गया है। तो उसी दिन ये ऊपर का जब वाटा हम लगा लेंगे, ऊपरी धार, नीचे वाली नहीं ऊपर वाली, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी होगा वो ये मसाला वाला एक ही लेयर में सेटिंग होगा एक ही दिन होने की वजह से, यानी उसका लेयर अलग नहीं होगा। तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इतनी आती है कि वो अंदर तक चिपका रहता है, उसकी जो जड़ें होती है वो अंदर तक गिनी जाती है, कि उसी की वजह से ऊपर का अलग नहीं होता है। अगर उस दिन फिलिंग नहीं करते हो और बाद में करते हो तो लेयर अलग रहेगा, इतना छोटा ही ऊपर वाला, तो वो पूरे का पूरा निकल जाता है सीमेंट धूप की वजह से। तो जिस दिन वाटा इंस्टॉलेशन करना है उसी दिन ऊपर का ये जॉइंट है उसे फिलिंग कर लेना है, कोई भी लिक्विड केमिकल सीमेंट के साथ में डाल के। ये हमारे टॉयलेट क्लीनर, यानी कि पुराने तरीका जिससे हम टॉयलेट क्लीन करते थे, वही HCl एसिड है। एक तरीके से ये वाइट दिखता है, लेकिन कहीं पर भी बाहर डाला जाए तो इसका कलर तुरंत आइवरी या येलो होने लगता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो येलो कलर हो रहा है वो HCl एसिड, यानी कि हमारा घर का टॉयलेट क्लीनर जो सभी जम्स ख़त्म कर देता था वही HCl एसिड है। हो सकता है शायद कोरोना के भी कर देता हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये किन किन चीज़ों पर भारी पड़ता है, एक तो टॉयलेट क्लीनर में काम करता है HCl एसिड कि टॉयलेट के सभी जम्स को ख़त्म कर देता है 99% है। दूसरा, ये लोहे पर भारी पड़ता है, अगर लोहे पर या स्टेनलेस स्टील पर डाला जाए तो उसमें जंग आ जाता है। तीसरा, ये सीमेंट का दुश्मन है, यानी कि लोहा और सीमेंट दोनों के साथ में डाला जाएगा तो लोहा भी ख़त्म होगा और HCl एसिड की ताकत भी। इसी तरीके से ये सीमेंट पर पड़ता है तो सीमेंट को जला के खाक कर देता है, जब तक HCl में ताकत होगी तब तक दोनों ख़त्म होते हैं, HCl भी ख़त्म होता है। यानी कि जितनी मात्रा में आप डालोगे सीमेंट की, जितनी मात्रा होगी उसके हिसाब से HCl डालना होगा। अगर ज़्यादा सीमेंट लगा होगा तो ज़्यादा जाएगा। और दूसरा, पानी एसिड का दुश्मन है, यानी पानी लगा होगा तो HCl एसिड ख़त्म होता है, तो आपको सूखी टाइल्स पर ही इसे डालना है। ये सूखी टाइल्स पर ज़्यादा काम करेगा, गीली टाइल्स पर कम काम करेगा, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। पानी एसिड का दुश्मन है, एसिड सीमेंट और लोहे का दुश्मन है और कीटनाशक है टॉयलेट क्लीनर के इस्तेमाल में। दूसरा, अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो HCl एसिड आपकी त्वचा पर कोई इन्फेक्शन नहीं करता है, लेकिन एलर्जी है तो हो सकता है। दूसरा, ये आँख और श्वास में जाने पर भारी नुकसान करता है, तो ज़रा संभल के काम करना, आँख और अपने नाक में नहीं जाना चाहिए, वरना आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आँख में जाने पर तो बहुत हो सकती है, ऐसे त्वचा को टच करने पर ये हमें कोई नुकसान नहीं करता है अगर एलर्जी नहीं है तो। हम देख सकते हैं
HCl एसिड से टेरेस को जब हमने वॉश किया तो उसके बाद में जॉइंट में से तो सीमेंट निकल गया, लेकिन उसके नीचे जो मसाला था वहाँ तक उसने सीमेंट को जला दिया है और उसमें से थोड़ी रेत भी निकल रही है। तो पानी से सफाई करते वक्त हर एक जॉइंट में से हमें पानी का प्रेशर लगा के इस तरीके से वो रेत निकाल देनी है, जितनी भी निकलती है उतनी, क्योंकि उसमें से सीमेंट निकल चुका होता है, सिर्फ रेत ही रही होगी, जला हुआ सीमेंट और रेत। आप देख सकते हो ये जहाँ भी हम पानी लगा रहे हैं वहाँ पर ये रेत निकल रहा है। तो ये रेत को अच्छे से सफा कर लेना है और एक एक दाना निकाल देना है। इसके बाद में क्या करना है वो हम आगे वीडियो में देखते हैं किस तरीके से रेत को निकाला जाता है। पहले तो इस तरीके से पानी से प्रेशर ही लगाते रहना है, हर एक जॉइंट में बहुत सारी रेत निकलेगी, तो पानी से अच्छे से सफा कर लेना है। और टाइल्स तो आप देख लो जहाँ जहाँ पर HCl एसिड लगा है एकदम साफ हो गई है, बिल्कुल ही गंदी नहीं रहती है। यानी कि HCl एसिड सीमेंट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, टाइल्स पर से निकाल देता है। अच्छे से सफा हो जाने के बाद थोड़ा साफ पानी और एक कपड़ा लेना है और इस तरीके से पोछा लगा के सारी गीली मिट्टी निकाल के पोछे से साफ पानी में डाल देनी है नीचो नीचो के। तो इस तरीके से टेरेस को एकदम अच्छे से सफा करना है। ये वही सारी बातें हैं जो हम खुद करते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट मिला है तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें भी एक बड़ी अपडेट है जो पीछे देखने वाले हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, जिस दिन हम इसको पानी से सफ़ा करते हैं उसी दिन इसके जॉइंट फिलिंग हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो दूसरे दिन इस तरीके से पानी वाला पोछा लेके हर जॉइंट पर दोबारा लगाना पड़ता है। एकदम सूखे जॉइंट बिल्कुल नहीं चलेंगे, वो सीमेंट में से पानी चूस लेते हैं और जॉइंट फटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो जॉइंट जिस दिन टाइल्स गीली हो उसी दिन इंस्टॉलेशन करने हैं। अगर दूसरे दिन करते हैं तो हर एक जॉइंट पर इस तरीके से पानी वाला पोछा लगाना ज़रूरी है, और गीली है तो भी पोछा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं चलता है, जॉइंट के नीचे पानी भरा होगा तो थोड़ा पानी सूखेगा, उसके बाद में ही जॉइंट अच्छे से इंस्टॉलेशन होते हैं। और जिस दिन हम इसको पानी से धोते हैं उस दिन तो जॉइंट सूखते ही नहीं है, क्योंकि नीचे मसाला तक भीग गया होता है इस पानी से। तो उस दिन अच्छे से जॉइंट आपके इंस्टॉलेशन हो जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं फटेंगे और लंबे टाइम तक अच्छे रहते हैं। लेकिन कोई कारणवश उस दिन आपके जॉइंट इंस्टॉलेशन नहीं हुए तो दूसरे दिन पानी वाला पोछा लेके हर जॉइंट पर लगा लेना है। ज़्यादा पानी नहीं लगाना है क्योंकि जॉइंट के नीचे पानी भरा रहेगा तो भी जॉइंट इंस्टॉलेशन नहीं होते। तो ये 16 इंच बाई 16 इंच की फुल बॉडी स्पार्टेक टाइल्स है टेरेस के लिए। स्टार्टिंग मैट आती है, वाइट कलर में आती है, इसकी वजह से बढ़िया रिजल्ट मिलती है, साइजिंग वाली टाइल्स है। और दूसरी अपडेट ये है कि लाइन टू लाइन लगानी है। अगर इस टाइल्स को आप लाइन कट या ब्रेक जॉइंट गलती से भी मत लगाओ, क्योंकि बेंडिंग रहेगा तो बीच में ज़्यादा बेंडिंग आ जाएगा लाइन कट की वजह से। लाइन टू लाइन रहेगी तो बेंडिंग भी रहेगी तो एक दूसरे से मिलती रहेगी, फिनिशिंग बढ़िया मिलता है। तो लाइन टू लाइन लगाना है, 4 mm के प्रेशर रख के लगाने हैं। ये सारी जॉइंट वाली टाइल्स आप देख सकते हो, जो जॉइंट है वो 4 mm प्रेशर रख के हमने लगाया है। तो धोने के बाद इस तरीके से हम पानी को पोछ रहे और जो बारीक रेत रह गया है उसको भी हम पोछा लगा के निकाल रहे हैं। सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जॉइंट इंस्टॉलेशन के लिए हमने पॉलीमर वाइट एडेसिल का इस्तेमाल किया है। ये वही एडेसिल है जो पॉलिश प्लास्टर हो, फ्लोरिंग में टाइल्स लगी हो उसके ऊपर फ्लोर टाइल्स लगानी है, या वॉल पर पॉलिश प्लास्टर है और टाइल्स लगानी है, तो जो एडेसिल का हम इस्तेमाल करते हैं ये वही पॉलीमर वाइट कलर का वाइट बेस वाला पॉलीमर एडेसिल है और कुछ नहीं है। ये पॉलिश प्लास्टर पर दीवार पर जो टाइल्स लगाते हैं, वॉल पर क्लेश टाइल्स को लगाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, या फ्लोरिंग में फ्लोरिंग के ऊपर फ्लोरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही एडेसिल है। ये पॉलीमर बेस्ड टाइल्स एडेसिल है, आप देख सकते हो टाइल्स एडेसिल, ये पॉलीमर बेस्ड है टाइल्स एडेसिल, वाइट ग्राउट
टाइल्स जॉइंट अच्छे से इंस्टॉल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें से एक ये है, हमने 50% में 25% वाइट सीमेंट, 25% टाइल्स ग्राउट का इस्तेमाल किया है, यानी कि 50% में टाइल्स ग्राउट और सीमेंट है 25-25, और 50% हमें वाइट पॉलीमर केमिकल का इस्तेमाल करना है। हम ये तीन चीज़ों का इस तरीके से सही मिश्रण करना है, थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, वाइट सीमेंट और ग्राउट 25-25 और 50% पॉलीमर जो केमिकल एडिसिल मैंने बताया, टाइल्स एडिसिल, उसका इस्तेमाल करना है। इसका रीज़न भी मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप अकेला वाइट सीमेंट इस्तेमाल करते हो तो फट जाएगा, ग्राउट और वाइट सीमेंट इस्तेमाल करते हो तो उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलता है। पॉलीमर क्या करेगा, जल्दी सूखने नहीं देगा और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाता है पॉलीमर ग्राउट, और ग्राउट होता है वो सॉलिड बहुत होता है और उसकी चिपकने की ताकत बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो सफ़ा नहीं होता है। वाइट सीमेंट क्या करेगा, उसको सफ़ा करने में मदद करेगा। तो 25% वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करना है, 25% टाइल्स ग्राउट का इस्तेमाल करना है, यानी 50% में सॉलिड आइटम आ गई, वाइट सीमेंट और टाइल्स ग्राउट। 50% में हमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वाइट पॉलीमर एडिसिल, टाइल्स एडिसिल का इस्तेमाल करना है, जो हम दीवार पर टाइल्स चिपकाने के लिए जो ब्रांडेड और अच्छी कंपनी आती है वाइट पॉलीमर, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है रेगुलर टाइल्स चिपकाने वाला केमिकल से। तो ये वही एडिसिल है, पॉलीमर एडिसिल, टाइल्स चिपकाने वाला, दीवार पर जो पॉलिश प्लास्टर होता है ऐसा, यहाँ पर जो हम टाइल्स चिपकाते हैं वही एडिसिल है। तो 50% उसका इस्तेमाल करना है, और फिर लिक्विड LW किसी भी कंपनी का आप एडिसिल इस्तेमाल कर सकते हो वाटरप्रूफिंग के लिए, यानी कि चार चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वाइट सीमेंट 25% सीमेंट ग्राउट, टाइल्स ग्राउट जो आता है वो, और 50% पॉलीमर एडिसिल, टाइल्स चिपकाने वाला, और ज़रूरत के हिसाब से LW, फोर आइटम, LW लिक्विड एडिसिल। ये जो है ना, उसमें केमिकल डाला है पानी में, आप देख सकते हो LW, ये वाइट हो जाएगा अब। तो कोई भी लिक्विड LW एडिसिल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी भी लाता है, LW कोई भी कंपनी का कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद LW एडिसिल के साथ ये चारों चीज़ का अच्छे से मिक्सरण करना है, और थोड़ा इसको एकदम हार्ड नहीं बनाना है, थोड़ा सॉफ्ट रखना है, यानी कि थोड़ा नरम रखना है, एकदम हार्ड इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हार्ड में आपका जॉइंट फिलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी और वाटरप्रूफिंग और ज़्यादा चिपका नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा ड्राई करना है, बाद में थोड़ा सूख जाने के बाद सफ़ा करना है। वैसे तो ये सूखेगा ही नहीं, इसमें जो हमने पॉलीमर इस्तेमाल किया है टाइल्स एडिसिल, वो इसे सूखने नहीं देता है। तो बाद में इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो। आपका अगर कोई और तरीका है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक देख सकते हो, हमने पोछा लगा के बहुत ही क्लीन टाइल्स कर दी है, बिल्कुल ही रेती का एक स्मॉल दाना भी कहीं पर नहीं है, वो सूखने के बाद लेने वाले हैं। तो ये थोड़ा ड्राई हो गया है ऊपर ऊपर से, लेकिन इसके जो जॉइंट है वो गीले ही, अभी आपको मैं दिखा दूँ, ये जॉइंट में पानी है ही, देखो तो जॉइंट नहीं सूखे हैं, जॉइंट सूख जाएंगे तो अच्छा भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से अच्छे से सफ़ा कर लेने के बाद ये जो हमने चार केमिकल डाल के जो बनाया है उसे अच्छे से मिक्स करके इसका जॉइंट फिलिंग करना है। तो इतना नरम रख के इसको फिलिंग करना है हमें, आप देख सकते हो, एकदम ड्राई नहीं करना है। तो इस तरीके से जॉइंट पुनः है। और दूसरी एक अपडेट ये है, जो हम नीचे का वाटा होता है इसको उसके हिसाब से क्रॉस में 45 डिग्री करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाने की वजह से वो पूरा निकल जाता है, तो हमें ज़रूरत उतनी नहीं है, सिर्फ जॉइंट फिलिंग की है। तो उसको राइट एंगल पे कट कर देना है हमें, तो वो निकलेगा नहीं। अगर 45 डिग्री पर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इसका जॉइंट लंबा होता है, उसकी वजह से बाहर निकल जाता है, और दोबारा एक दो साल में धूप करने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो जॉइंट होता है नीचे वाला वाटे का, उसको राइट एंगल करना है। तो ये हम पहले 45 डिग्री देख रहे हो, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 45 करने के बाद इस तरीके से राइट एंगल करके छोटा करना है,
बड़ा जॉइंट नहीं रखना है, ऐसे राइट एंगल कर लेना है, तो ये कभी खुलेगा नहीं जॉइंट, तो ये भी भरा हुआ ही है। तो इस तरीके से राइट एंगल जॉइंट बनने हैं, इसको लंबे नहीं बनने हैं। लंबे भरोगे तो ये टाइल्स पॉलिश होता है और निकलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जॉइंट थोड़े सूख जाने के बाद इसमें जो हमने पॉलीमर डाला है उसके अंदर बारीक रेत जैसा आता है, उसकी वजह से मैट फिनिशिंग रहता है। तो उसके बाद में जो ऊपर सूखा सीमेंट डालना है उसमें वाइट ग्राउट आधा और आधा वाइट सीमेंट, दोनों को 50-50 करके इस तरीके से जॉइंट के ऊपर, जब जॉइंट सूखे नहीं उससे पहले ही लगा के इस तरीके से सफ़ा कर लेना है। इसकी वजह से आपकी साफ़ सफाई भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी और इसका जो ऊपर का लेयर है वो पॉलिश हो जाएगा और उसका फिनिशिंग भी आ जाएगा। वरना आप इसमें अकेला पॉलीमर भी भर सकते थे, लेकिन अकेला पॉलीमर भरने पर क्या होता है, इसका फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आता है, मैट रहेगा। इस तरीके से करने से आपका ऊपर का लेयर पॉलिश हो जाएगा और फिनिशिंग अच्छा आएगा और जॉइंट की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो लुक वाइज भी ये बढ़िया रहेगा और अपने वाटरप्रूफिंग के लिए और जॉइंट इंस्टॉलेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, निकलता नहीं है। टेरेस के जॉइंट इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद इस पर सूखा सीमेंट डाल के हाथ घिसना या झाड़ू से या ये कपड़ा लेके गोल गोल हाथ घुमा के, तरीका चाहे कोई भी हो, आप इस तरह हाथ की हथेली से कर सकते हो, झाड़ू लेके घिस सकते हो, या थोड़ा सूखा सीमेंट डाल के एक कपड़े का पोछा बना के उसको गोल गोल घुमा के आप कर सकते हो। तरीका चाहे कोई भी इस्तेमाल करो, लेकिन सूखा ग्राउट और सूखा वाइट सीमेंट दोनों को 50% मिक्स करके इस तरीके से डालना है और इसमें पॉलीमर ग्राउट का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर बारीक रेत होती है, तो ऊपर सूखा सीमेंट डालने की वजह से आपके जॉइंट ग्लोसी हो जाएंगे। अगर सूखा सीमेंट डाल के आप इस तरीके से फिनिशिंग नहीं करोगे तो कोई जगह पर सफाई में निकल गया हुआ सीमेंट निकला हुआ रहेगा, और सूखा सीमेंट डाल के इस तरीके से आप अगर इंस्टॉलेशन करते हो तो जो छेद पड़े होंगे वो सारे छेद दोबारा भर जाएंगे और ऊपर का लेयर ग्लोसी हो जाएगा, तो फिनिशिंग बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि जो पॉलीमर एडिसिल हमने इस्तेमाल किया है वो मैट होता है, उसके अंदर बारीक रेत होती है। बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ पॉलीमर ग्राउट ही भर देते हैं, फिर सफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूखता नहीं है बड़ी आसानी से, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है और उसकी सफाई नहीं होती है,
तो फिर क्या करते हैं, जॉइंट भर के छोड़ देते हैं, बहुत ही गंदा दिखता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टेरेस रूम में मैंने दिखाया है, बहुत ही बढ़िया लुक वाइज फिनिशिंग में जॉइंट मिलते हैं और ग्लोसी मिलते हैं। पॉलीमर एडिसिल का इस्तेमाल करने के बाद भी इतना फिनिशिंग वाला जॉइंट मिलता है इस तरीके से। सिर्फ पॉलीमर एडिसिल का इस्तेमाल करोगे तो इस तरीके से सफ़ा नहीं कर पाओगे आप। आप देख सकते हो, जॉइंट इंस्टॉलेशन के बाद हमने पूरे टेरेस में पानी का इंस्टॉलेशन कर दिया है, तो इसको एक हफ्ते तक पानी भरना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो, ये बूछ लगा के पानी भरा है। और पानी भरने में भी एक बात संभाल के रखनी है, जो हमारा वाटा होता है उसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, वरना लीकेज शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आप देख लो, जो हमारा वाटा होता है उससे नीचे रखना है। जॉइंट को पानी से एक हफ्ते तक भर के रखना है, और जो हिस्से में जॉइंट को पानी नहीं मिलता है वहाँ दिन में 8 से 10 बार पानी डालना है। तो ये पूरा टेरेस देख सकते हो पानी से भरा हुआ है। तो इस तरीके से जहाँ भी जॉइंट इंस्टॉलेशन किए हैं, पानी भरना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा टेरेस है, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है।